सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक्निकल्स को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप सुडोवर्स स्लैश /etc सुडोवर्स जो फाइल है उसका कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आप यूज़र्स को सुडो एक्सेस दे सकते हैं और उसके बाद कोई एक यूज़र का आप यू लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका मतलब प्रोसेसिंग, मतलब यूज़र कितना सारा फाइल एक्सेस कर पाएगा उसका लिमिट आप बढ़ा सकते हैं, कितना सारा प्रोसेस आप एक्सेस कर पाएगा उसका लिमिट आप बढ़ा सकते हैं, तो यू लिमिट और आपका सुडो एक्सेस कैसे देते हैं कि यूज़र को, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ एक चीज़। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है, कुछ कुछ चीज़ें उनको एरर मिला है कोई कोई इम्प्लीमेंटेशन में, तो मैं बता देता हूँ। कुछ कुछ वीडियो मेरा बहुत दिनों पुराना वीडियोस है, जैसे कि 1 साल या फिर 7-8 महीना पुराना वीडियोस है, तो मुझे वो देखना पड़ेगा डिटेल्स, मतलब कौन सी जगह में आपको क्या क्या एरर मिला है, वो सब देख के मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या तो कमेंट में दूंगा नहीं तो मैं वीडियो बना दूंगा एक नया वीडियो कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरा एक सर्वर है, तो मैं लॉगिन हूँ उस सर्वर पे। पहले क्या करते हैं, सपोज़ मतलब ये रूट यूज़र है, हैश सिंबल रूट यूज़र है, सबको पता है आपको। तो रूट यूज़र से तो आपका सब परमिशन है, सब कुछ आप कर सकते हैं सर्वर में, लेकिन अगर आप यूज़र है सपोज़, तो एक यूज़र को फुल परमिशन नहीं रहता है, तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं कुछ यूज़र को क्या क्या परमिशन रहेगा, क्या क्या ये यूज़र कर सकता है, या फिर कोई यूज़र अगर रिक्वेस्ट करे आपको कि मुझे ये सब का एक्सेस चाहिए तो आप ऐसे दे सकते हैं। जैसे ये सब चीज़ आपका यूज़ होता है कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में, कोई कोई क्लाइंट कोई कोई एप्लीकेशन वगैरह रन कराने में, या फिर कुछ टेस्टिंग वगैरह में के लिए उसको रिक्वेस्ट रेज करते हैं कि उनको एक्सेस चाहिए सुडो एक्सेस, या फिर आपका कोई भी पर्टिकुलर कमांड रन कराने का एक्सेस चाहिए, तो आप कैसे दे सकते हैं यूज़र को। सपोज़ मैं एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर टेस्ट बोल के एक यूज़र ऐड करता हूँ मैं, इसका पासवर्ड सेट कर देता हूँ, ओके हो गया। अभी अभी मैं क्या करूँगा, सपोज इस यूज़र में स्विच करता हूँ मैं, एक यूज़र में स्विच कैसे करता हूँ तो आपको पता ही होगा, su-username। तो मैं यूज़र में स्विच कर गया। अभी सपोज़ इस यूज़र से आप कुछ भी ऐसा कुछ रन कराइए जिसके लिए आपको रूट यूज़र रूट एक्सेस चाहिए। सपोज़ मैं अगर आपको दिखाऊंगा, पकड़ लीजिए मुझे इस मशीन को शट डाउन करना है, ठीक है, तो उसके लिए shutdown-r, मतलब शट डाउन नहीं रिबूट करना है, तो shutdown-r करने से सिस्टम रिबूट होता है। इससे अगर एंटर करूँगा तो दिखाएगा मस्ट बी रूट, आपको रूट होना पड़ेगा। सपोज सुडो एक्सेस दे, सुडो करके मैं करता हूँ सेम कमांड -r, पासवर्ड दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेस्ट इज़ नॉट इन सुडोर्स फाइल, मतलब ये सुडो यूज़र नहीं है, इसको मैंने एक्सेस नहीं दिया है सुडो एक्सेस ताकि ये कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए सर्वर में, या फिर मैं सपोज़ मैं उसको रूट ट्राई करता हूँ कि मैं इस यूज़र से रूट में स्विच करूँ, नहीं है क्योंकि नहीं हो सकता है रूट में स्विच क्योंकि यूज़र सुडोवर्स फाइल में नहीं है, एंट्री नहीं है, उसको एक्सेस नहीं दिया गया है। तो आप सपोज़ इसको एक्सेस कैसे दे सकते हैं मैं दिखाऊंगा आपको। सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारा कमांड रन कराने के लिए, जैसे कि सुडोश सेम एरर, क्योंकि ये यूज़र का एक्सेस नहीं है किसी भी चीज़ में, तो मैं इस यूज़र को एक्सेस देता हूँ अभी सपोज़। तो उसके लिए मुझे सपोज़ आप कुछ भी चेंजेस करेंगे सुडोवर्स फाइल में, उससे पहले आप फाइल को कॉपी कर लीजिए। फाइल कहाँ पे है, etc सुडोवर्स,
इस फाइल में आप कुछ भी चेंजेस करेंगे, कुछ भी एंट्रीज करेंगे, उससे पहले आप उस फाइल को कॉपी कर लीजिए, नहीं तो बाय चांस अगर आपका चेंजेस में कुछ गलती आ गया हो तो आप वो रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, तो उसमें सिस्टम इफेक्ट होगा आपका। तो सपोज़ आज है 11, 12, मैं इसको कॉपी करता हूँ इस नाम से, इस फाइल का एक बैकअप रख रहा हूँ मैं, अभी ओपन करता हूँ उस फाइल को। अब नॉर्मली अगर आप VI से इस लोकेशन में जाके सुडोवर्स फाइल को अगर ओपन करते हैं और उसमें अगर एडिट करते हैं, तो अगर कुछ भी गलत हुआ आपका सिंटैक्स में, वो आप पकड़ नहीं पाएंगे। सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्ज़ाम्पल, ये ओपन हो गया फाइल। अगर आप इसमें जाके कोई भी चेंजेस करेंगे और इस चेंजेस में कुछ गलती होगा सिंटैक्स में, जैसे कि ये देखिए एक सिंटैक्स है, अगर इस सिंटैक्स में कुछ गलती होता है तो गलती आपको नहीं दिखाएगा और ऐसे ही आपका रॉन्ग सिंटैक्स में आपका सेव हो जाएगा। आप अगर आप VI या VM से अगर आप सुडोर्स फाइल ओपन करते हैं, ठीक है, आपका सुडो कभी भी आप अगर सुडोर्स फाइल में या फिर किसी भी यूज़र को सुडो एक्सेस या फिर सुडो एक्सेस के लिए कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, तो VI सुडो इससे आप हमेशा ओपन कीजिए उस फाइल को, VI सुडो, उसके बाद शिफ्ट G लास्ट लाइन पे आ जाइए। उसके बाद अब यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करते हैं, सपोज़ मुझे टेस्ट यूज़र को परमिशन देना है, ऑल इक्वल्स टू पास WD, ये सिंटेक्स ऐसा है कि टेस्ट जो है आपका यूज़र है, उस यूज़र को ऑल परमिशन दे रहे हैं, किसके साथ, पासवर्ड के साथ, मतलब कुछ भी चलाएगा उसको पासवर्ड ज़रूरी होगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको पासवर्ड ना दे, सपोज़ वो कोई भी कमांड, ये यूज़र सपोज़ आपका कोई वाइटल यूज़र्स है, यूज़र है जो जिस आपको पता है कि वो यूज़र कोई भी गलती नहीं करेगा या फिर कोई भी चीज़ आपका चेंजेस नहीं करेगा सिर्फ, तब आप उसको, या फिर वो अगर रिक्वेस्ट करता है कि उसको नो पासवर्ड चाहिए, मतलब विदाउट पासवर्ड उसको कोई भी कमांड चला सके, तो आप उसमें नो पासवर्ड दे सकते हैं, नो पासवर्ड, ठीक है। लेकिन मैं पहले आपको पासवर्ड से दिखाता हूँ कैसे काम करता है, उसके बाद नो पासवर्ड से दिखाऊंगा। कॉलन, अभी उसको जो एक्सेस चाहिए उसका आपको यहाँ पे पाथ देना होगा। आपको अगर पाथ नहीं पता तो पाथ पहले आप एक बार चेक कर लीजिए। सपोज़ यहाँ पे देखिए, अगर VI सुडो से आप ओपन करते हैं तो कुछ भी अगर चेंजेस आप नहीं करते तो यहाँ पे मैसेज देगा अनचेंज्ड, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कहाँ में जाके आपका वो सब कमांड्स मिलेगा। सपोज़ मुझे सुडो एक्सेस देना है उसको रूट यूज़र का, तो यूज़र बिन नो यूज़र बिन SU, तो यूज़र बिन SU, हाँ यूज़र बिन के अंदर देखिए आप SU कमांड है, ठीक है। कोई कोई कमांड आपका बिन के अंदर नहीं रहता है, SBIN के अंदर रहता है, तो SU कमांड जो है वो बिन के अंदर है। अगर आप शट डाउन कमांड ढूंढेंगे तो शट डाउन कमांड बिन के अंदर नहीं है, देखिए। तो शट डाउन कमांड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, यूज़र SBIN में जाना पड़ेगा आपको शट डाउन कमांड के लिए। ये देखिए यूज़र SBIN में आपका शट डाउन कमांड है, ठीक है। तो ऐसे ही कौन कौन सा कमांड कहाँ कहाँ लोकेशन पे आपको पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। सपोज़ कोई YUM का एक्सेस चाहिए तो YUM देख लेते हैं कहाँ पे है SBIN, हाँ SBIN पे है YUM। अगर YUM का एक्सेस चाहिए तो SBIN में आप उसको YUM का एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं उसको अभी फ़िलहाल शट डाउन का परमिशन देता हूँ और आपका रूट यूज़र का परमिशन देता हूँ, सॉरी तब उसको परमिशन कैसे देंगे, पहले तो आप यूज़र नेम टाइप कीजिए। हाँ यहाँ पे आप सपोज टेस्ट, उसके बाद ऑल, ऑल परमिशन, किसका ऑल परमिशन चाहिए उसको, और मैं देता हूँ पासवर्ड के साथ पास WD,
/usr/sbin/shutdown-r, shutdown-r मतलब उसको रिबूट का एक्सेस है, ठीक है। अगर सपोज़ मैं सिंटेक्स में कुछ गलती करता हूँ, मैं आपको सिंटेक्स में मैं कुछ गलती दिखा रहा हूँ, सपोज़ ये कुछ गलती कर दिया मैंने सिंटेक्स में, अभी मैं उसको सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब अगर आप वी आई सुडो से ओपन करेंगे उस फाइल को या फिर सुडोवर्स को, तो आपको दिखाएगा कि ये एरर है। आप क्या एरर के साथ सेव करना चाहते हैं उसको? तो देखिए एरर कहाँ पे है, लाइन नंबर 120 पे आपका एरर है। तो उसको एडिट करने के लिए आपको ई प्रेस करना होगा और एंटर करना होगा, फिर से आप वहाँ पर आ जाए, वहाँ पर आ जाएंगे। अभी एरर है आपका लाइन नंबर 120 पे, ठीक है। तो लाइन नंबर देखने के लिए escape:sc:nu, तो आपका लाइन नंबर है, तो लाइन नंबर 120, लाइन नंबर 120 पे देखिए आपका ये मैंने जो अभी अभी एंट्री दिया है उसका। तो उसमें मैंने क्या गलती किया मुझे पता है, मैं सब डिलीट कर देता हूँ जो जो मैंने गलती किया है उसमें, ठीक है। अभी मैं उस फाइल को सेव कर दूँगा। अगर आपका कोई गलती नहीं है तो देखिए आपका डायरेक्टली आपका हैश मोड पे आ जाएगा, मतलब आपका टर्मिनल पे आ जाएगा। अदरवाइज आपको देगा कि कुछ एरर है आपका सुडोवर्स फाइल में, आप उसको ठीक कीजिए। तो अभी उस यूज़र को शटडाउन का परमिशन है, मतलब रीबूट का, शटडाउन का नहीं रीबूट का परमिशन है। पहले हम लोग क्या चेक किए थे, जब भी हम लोग शटडाउन या रीबूट कमांड चलाते थे वो बोलता था कि सुडोवर्स में एंट्री नहीं है। तो हम यूज़र में स्विच करते हैं, ओके। अभी अगर आप शटडाउन कमांड चलाएंगे, मस्ट बी रूट, क्यों? क्योंकि ये रूट यूज़र नहीं है ना, इसका सुडोस में एंट्री किया हूँ मैं, तो ये सुडो यूज़र हुआ। तो अब जो भी कमांड चलाएंगे सुडो से चलाना पड़ेगा आपको, shutdown-r। अभी अगर ये कमांड चलाऊंगा तो पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि मैंने पासवर्ड सेट करके दिया था उस यूज़र के लिए, मतलब मैंने जो सुडोवर्स एंट्री किया था वो पासवर्ड से सेट किया था सुडोवर्स एंट्री में। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे देखिए द सिस्टम इज़ गोइंग टू डाउन फॉर रीबूट एट, ठीक है। इसको कैंसिल करने के लिए आप shutdown-c चला सकते हैं। अब ये शटडाउन रीबूट मशीन रीबूट हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा, अभी तक रीबूट हुआ नहीं है। जब तक ये रीबूट होगा तब ये कनेक्शन डिसकनेक्टेड हो जाएगा। मैं VMware से देखता हूँ, ये सर्वर अभी भी अप है, देखिए सर्वर अभी भी अप है क्योंकि शटडाउन कमांड चलाया है, अभी तक शटडाउन कमांड आके यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ नहीं है रीबूट कमांड। जब एग्जीक्यूट होगा ये डिसकनेक्टेड हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में। ये देखिए सिस्टम डिसकनेक्टेड हो गया है, इसका मतलब द सर्वर रीबूट में चला गया। ये देखिए सर्वर रीबूट हो रहा है VMware में, तो ऐसे ही आप यूज़र को परमिशन दे सकते हैं कोई भी कमांड चलाने के लिए। कोई मतलब कोई भी एक यूज़र को आप सुडोर्स में एंट्री देके कोई भी कमांड चलाने के लिए आप एक्सेस दे सकते हैं। सिर्फ शटडाउन और रीबूट नहीं, आप दूसरा भी कमांड यूज चलाने के लिए उसको परमिशन, जैसे कि यम कमांड चलाने का परमिशन यूज़र में नहीं होता है, तो आप यम कमांड चलाने का परमिशन अगर देंगे तो यूज़र कोई पैकेज इंस्टॉल कर पाएगा अपने हिसाब से, उसके ऊपर आप रूट यूज़र को रूट यूज़र में स्विच करने का परमिशन दे सकते हैं। सपोज़ कोई एडमिन या फिर कोई डायरेक्टर लेवल का एम्प्लॉय आपको रिक्वेस्ट रेज किया आपका कि मुझे रूट यूज़र के एक्सेस चाहिए, तो आप रूट यूज़र के एक्सेस कैसे देंगे उस यूज़र को, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। पहले देख लेता हूँ ये सर्वर अप हो गया कि नहीं। हाँ सर्वर अप हो गया है, उसमें लॉगिन कर जाता हूँ। सर्वर अप हो चुका है,
अगर सर्वर अप हुआ या फिर सर्वर रिबूट हुआ कि नहीं उसको पता लगाने के लिए आपको कमांड है अप टाइम में प्रेस करेंगे तो देखिएगा सर्वर सिर्फ 1 मिनट से अप है और ये यूज़र से रिबूट हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उस यूज़र को रूट का परमिशन देता हूँ, मतलब ऐसे रूट वो स्विच कर सकते हैं यूज़र, सॉरी मैं फिर से ओपन करता हूँ उस फाइल को शिफ्ट जी। तो यहाँ पे मैंने उसको एक कमांड चलाने का परमिशन दिया था, अभी उसको मैं रूट का परमिशन देता हूँ। तो रूट का परमिशन के लिए मुझे कहाँ देखना था, कहाँ पे है लोकेशन रूट का, यूज़र बिन su है ना, हाँ यूज़र बिन su मतलब सुपर यूज़र, तो उसको सुपर यूज़र का परमिशन मैं दे रहा हूँ अभी। यूएसआर बिन हाइफ़न su सेव कर देता हूँ। अभी मैं यूज़र में स्विच करता हूँ, अभी sudo su, कभी भी आप यूज़र में कुछ भी कमांड चलाएंगे तो sudo से चलाना पड़ेगा क्योंकि ये रूट यूज़र नहीं है, इस यूज़र को मैंने रूट का परमिशन दिया है इसीलिए आप sudo से चलाना पड़ेगा। sudo hyphen sudo su करने से रूट में स्विच हो जाएगा। हाँ ये पासवर्ड से स्विच होगा क्योंकि मैंने पासवर्ड का ही ऑप्शन रखा है उसमें। तो ये देखिए यूज़र रूट यूज़र में स्विच हो गया, ठीक है। आप ये यूज़र कुछ भी कर सकता है एज ए रूट। अभी और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं उसमें। अभी फिर से वी आई सूडो में जाता हूँ। सपोज़ आपको उसको नो पासवर्ड देना है, उसको पासवर्ड उसको नहीं चाहिए, जब भी सूडो इश्यू करे हो डायरेक्टली यूज़र में स्विच हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नो पास डब्ल्यू डी, नो पास डब्ल्यू डी से सेव करेंगे तो अगर आप यूज़र में स्विच करते हैं और sudo su करते हैं, ये देखिए कोई भी पासवर्ड नहीं मांगा, डायरेक्टली लॉगिन होकर रूट में स्विच हो गया क्योंकि मैंने नो पासवर्ड से सेट किया था उस यूज़र के लिए। तो नो पासवर्ड से सेट करेंगे तो कोई भी कमांड विदाउट पासवर्ड चल जाएगा कोई भी। हाँ अभी नो पासवर्ड किस लिए चाहिए, मतलब कोई भी यूज़र क्यों स्विच करेगा विदाउट पासवर्ड रूट पे। सपोज़ आपके पास दूसरा एक यूज़र है, सपोज़ मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, एक यूज़र बोल के मेरा एक इस मशीन में एक यूज़र है, ओके तो इसको sudo एक्सेस है कि नहीं चेक कर लेता हूँ। जी हाँ इसके पास sudo एक्सेस है इस यूज़र का, तो इससे नहीं होगा, मुझे दूसरा एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज यूज़र एड टेस्ट टू बोल के एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, ओके पासवर्ड सेट कर दिया, यूज़र क्रिएट कर दिया। अभी उस यूज़र में स्विच करता हूँ और इस यूज़र को sudo का परमिशन तो होगा नहीं क्योंकि अभी जस्ट मैंने क्रिएट किया है, जी नहीं। इस यूज़र से मैं कोशिश करता हूँ आपका जो टेस्ट यूज़र है उसमें स्विच करने की। तो अभी यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ, तो ये टेस्ट यूज़र पे स्विच हो गया है। अभी टेस्ट यूज़र से मैं रूट में जा सकता हूँ, ओके अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल के देखता हूँ,
ये देखिए, यहाँ पे ऐसा होता है कि मैंने जब आपका यहाँ पे नो पासवर्ड डाला था टेस्ट टेस्ट में, तब क्या हुआ था, डायरेक्टली आप रूट में चले गए थे। कोई भी यूज़र आपका इस सर्वर में, कोई भी यूज़र आपका अगर टेस्ट में स्विच हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको रूट एक्सेस मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग पासवर्ड डाल के रखते हैं, ताकि सपोज आपका कोई एक ग्रुप है, पर्टिकुलर एक ग्रुप है जिस ग्रुप को मुझे रूट का एक्सेस देना है थ्रू एक सिंगल यूज़र, वो पूरा ग्रुप जितना भी लोग हैं उनको सेम यूज़र, वही यूज़र के थ्रू उनको रूट एक्सेस मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग पासवर्ड दे के रखते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो कोई भी यूज़र आपका टेस्ट में स्विच करके, मतलब जो यूज़र में रूट एक्सेस से उस यूज़र में स्विच करके आपका कुछ भी कर सकते हैं सर्वर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्विच करके देखता हूँ अपना पासवर्ड देके। यहाँ पे देखिए, पासवर्ड देने से भी नहीं लगेगा, ऑथेंटिकेशन फेलियर। मैं टेस्ट टू से टेस्ट में स्विच करना चाहता हूँ, पासवर्ड दे रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेलियर। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट यूज़र को परमिशन नहीं है, टेस्ट मतलब टेस्ट टू यूज़र जो है उसको परमिशन नहीं है टेस्ट यूज़र में स्विच करने का। ठीक है, तो उसको परमिशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका सुडोर्स फाइल में आके मैं और एक लाइन ऐड करता हूँ यहाँ पे, टेस्ट टू के लिए ऑल इक्वल्स टू पासवर्ड USR बिन SU हाइफन टेस्ट। ठीक है, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, टेस्ट टू को टेस्ट यूज़र में स्विच कर रहा हूँ। एक बार ट्राई करता हूँ नो पासवर्ड, देखिए यहाँ पे नो पासवर्ड लेता है कि नहीं, देख लेता हूँ। अभी अगर आप ट्राई करेंगे टेस्ट टू में स्विच करके, नहीं ये पासवर्ड लेता है, परमिशन डिनाइड। ओके, यहाँ पे जाके चेंज करता हूँ पासवर्ड टेस्ट टू, उसके बाद सुडो करता हूँ, सुडो SU टेस्ट। जी हाँ, टेस्ट वन में लॉगिन हो गया सुडो SU करने से। ओके, तो अगर सुडो SU करने से होता है तो और एक ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे नो पासवर्ड से। जी हाँ, सुडो SU करने से आपका नो पासवर्ड से आपका लॉगिन हो जाएगा टेस्ट टेस्ट में, और टेस्ट में अगर लॉगिन हो गया तो आप सुडो यूज़र हो सकते हैं टेस्ट का पासवर्ड से, क्योंकि टेस्ट में आपका सॉरी ये पासवर्ड गलत दिया मैंने, क्योंकि टेस्ट में हम लोग रूट का एक्सेस दे रखे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, एक यूज़र से दूसरे यूज़र में स्विच करके आप रूट एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन उसका परमिशन आपको रहना पड़ेगा आपका सुडोर्स फाइल में। यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया हूँ, पहले मैंने क्या किया, टेस्ट एक यूज़र क्रिएट किया, उस यूज़र को सुडो का परमिशन दिया है, रूट का परमिशन दिया। उसके बाद क्या किया, दूसरा जो टेस्ट यूज़र है उसको उस यूज़र का परमिशन दिया हूँ, तो इस यूज़र से उस यूज़र में स्विच करके मैं रूट एक्सेस ले सकता हूँ। सपोज इसको एक ग्रुप मान लीजिए, या फिर इसको एक टेस्ट यूज़र जो है वो आपका सपोज डिप्लॉयमेंट यूज़र मान लीजिए, और यहाँ पे सपोज एक अगर ग्रुप हो आपका, सपोज इस ग्रुप में आप ये टेस्ट टू ना होकर कोई भी ग्रुप का नाम दे दीजिए,
और इस ग्रुप के आपको 10 यूज़र है, और मैं उस ग्रुप को इस पर्टिकुलर यूज़र का परमिशन अगर दे देता हूँ तो इस ग्रुप का जितना भी 10 यूज़र है वो इस यूज़र में स्विच कर सकते हैं और रूट एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप कोई भी यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं सूडो का। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सब नॉलेज दूसरों को भी मिलता रहे। और आप लोगों का जो क्वेरी है मुझे कमेंट कीजिए, मैं जितना हो सके क्वेरी सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, नहीं तो आप मुझे टॉपिक दीजिए जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ। मुझे भी हर टॉपिक का नॉलेज नहीं है, मुझे भी ढूंढना पड़ता है कोई कोई टॉपिक में कुछ कुछ चीज़ ढूंढ के मैं वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और आप सजेशन दीजिए ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ आपके लिए। धन्यवाद।